हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो भाई मेरी लास्ट वाली वीडियो का आपने बहुत सारा प्यार देखा, जिसके लिए धन्यवाद दिल से। तो भाई इसी प्रकार मैं दोबारा आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ केदारनाथ सीरीज की, कि मेरे कई ऐसे भाई हैं जो कि एक बाइक से अपना केदारनाथ राइड है वो करना चाहते हैं। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने भी जो भी केदारनाथ राइड करी थी बाइक से करी थी, तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस था आपके साथ शेयर करूँगा कि आप एक कम सीसी की बाइक से या किसी बाइक से आप लंबी मतलब केदारनाथ यात्रा कैसे कर सकते हो और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है लॉन्ग राइड पर जाने से पहले, केदार जी के पास जाने से पहले, क्योंकि सबको ऐसा नहीं मौका मिलता, क्योंकि मुझे भी नहीं था। अचानक से प्लान बना और अचानक से मैं चले गया महादेव जी के पास। और भाई मैंने वीडियो में देखा करता कि हाँ भाई मतलब केदारनाथ स्वर्ग से आती है, तो भाई बिल्कुल सच है। वहाँ भाई साहब कुछ अलग ही लेवल का है यार, ऐसा लगे कि आप भाई सच में कहीं आ गए, स्वर्ग में आ गए, इतना प्यारा है ना। और जो भाई महादेव के जो भक्त है भाई भोलेनाथ जी के, तो भाई ये वीडियो पूरी एंड तक देखना, पूरी मतलब इंफॉर्मेशन से भरी होने वाली है अगर आप एक बाइक से केदारनाथ यात्रा करना चाहते हो तो, क्योंकि मैंने भी करा है और मैं मतलब मुझे कैसे दिक्कत आई, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ये मैं सब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आपको भी कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि मैं भी जब जाने से पहले ये सब यूट्यूब पे वीडियो देखा करता था कि भाई गाड़ी जा सकती है कि नहीं जा सकती है, और जा सकती है तो किन किन दिक्कतों का मैं सामना करना पड़ेगा। तो चैनल में ज़्यादा बकवास ना करते हो, बढ़ते हैं आगे। तो हाँ भाई, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगर महादेव के भक्त हो भाई वीडियो पूरी एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो चैनल पर आती रहती है। और आपको महादेव की जो केदारनाथ की जो सीरीज है अगर आपको देखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप उस पर जाइए और वीडियो देखिए, एक से बढ़कर एक है। और व्यू देखना कितना प्यारा है, और मैं गया था तो भाई दो से तीन जगह गया था। तो बढ़ते हैं आगे। देखो अगर आप कम सीसी की बाइक से अगर आप लॉन्ग टूर करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, देखो मेरे पास स्प्लेंडर है 100 सीसी बाइक है, तो उसको मैं कैसे लेके गया था, देखो मैं अभी जो लेके गया था एक तो बता देता हूँ कि मैं था, मेरे साथ मेरे एक दोस्त था संजय, वो पहाड़ से बिलोंग करता है, तो उसके बाद BS6 गाड़ी थी और मेरे पास BS4, तो दोनों में डिफरेंस इतना था कि मैं पहाड़ पे अपनी गाड़ी लेके चढ़ रहा था, मेरी BS4 थी तो दिक्कत दे रही थी चढ़ने रही थी, और BS6 जो गाड़ी थी वो बिना किसी दिक्कत के चढ़ जा रही थी पहाड़ पे। तो मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मेरा बहुत सारा टाइम ख़राब हुआ, मेरे मैकेनिक पे भी दिखाना पड़ा, मतलब बहुत सी दिक्कतें आई थी मुझे। तो अगर आपके पास BS4 गाड़ी है तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आपका तो आप अपनी गाड़ी का कार्बोरेटर अच्छे से चेक करा ले, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। अगर कार्बोरेटर में दिक्कत होगी तो आपकी गाड़ी पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा मिसिंग मारी, जिसके कारण आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एक तो ये हो गया, और दूसरा अपने गाड़ी का फिल्टर है जो एयर फिल्टर होता है उसको भी चेक कराएं, ज़्यादा गंदा ना हो, जिससे भी आपकी गाड़ी मिसिंग मारती है बहुत। क्योंकि अभी मैं लास्ट टाइम गया था मनाली तो मैंने अपना एयर फिल्टर निकाला, उसके बाद गाड़ी अच्छे से चढ़ रही थी, मतलब चढ़ पा रही थी, उससे पहले नहीं चढ़ रही थी। तो एयर फिल्टर चेक करा लेना, और प्लस में आपकी गाड़ी बिल्कुल मेंटेन हो, ज़्यादा दिक्कत ना हो गाड़ी में, आपकी गाड़ी प्रॉपर सर्विस हुई हो अच्छे से, मतलब कंजूसी वाला नहीं, अच्छे से सर्विस होनी चाहिए, ब्रेक व्रेक सब प्रॉपर होने चाहिए आपकी गाड़ी में। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप लंबे टूर पे जाते हो तो आपके सबसे मेन होता है टायर, टायर आपके ज़्यादा घिसे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि केदारनाथ की तरफ आपको बहुत सी ऑफ रोडिंग मिलेगी और लैंडस्लाइड मिलेगा, जिसके कारण ना क्या होता है आपके टायर के पंचर होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि गाड़ी चलती है टायर एकदम गर्म हो जाता है, इसके कारण कोई सी भी निकली चीज़ आपके टायर में घुस सकता है, जिसके कारण आपकी गाड़ी पंचर हो सकती है। तो अपनी गाड़ी का टायर है ज़्यादा घिसा नहीं होना चाहिए, या फिर अपने साथ पंचर किट लेके चलिए, ताकि आप किसी मुश्किल में ना फंस सके, आपका टाइम ख़राब ना हो सके और केदारनाथ यात्रा में आपको कोई दिक्कत ना हो।
और जब बंदे ने ठान ली कि भाई जाना है तो जाना है, वो तो जा ही रहेगा, ठीक है, जाने वाले किसी ने रोका है। तो मैं बता देता हूँ मेरे को गाड़ी में किस प्रकार की दिक्कत है और मैं कैसे लेके गया था। सबसे बात करते हैं गाड़ी को कैसे लेके जाते। देखो केदारनाथ की जो दूरी है 450 से लेके 5 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें कि आप लास्ट लास्ट आप सोनप्रयाग जा सकते हो। उसके बाद आपको 5 किलोमीटर टैक्सी लेके ऊपर गौरीकुंड जाना पड़ेगा, फिर गौरीकुंड से आपको केदारनाथ जी की 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग है वो आपको करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बाइक तक का सफर बता देता हूँ। देखिए कई भाई ऐसे होते हैं कि भाई मैं हमने एक दिन में पहुंच जाएंगे, 400-500 कुछ नहीं होता भाई। देख अगर आप रोड पे चलोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि 400-500 बहुत बहुत होते हैं यार। तो मैं बता दूं कि मैं राइड कैसे करता हूँ। देखो मेरे को जब भी राइड करनी होती है मैं सुबह 3 या 4 बजे अपने घर से निकल जाता हूँ बाइक ले प्रॉपर एकदम, क्योंकि जो राइड मतलब जो डिस्टेंस है ना दिन में ही अच्छा सा मतलब रात में ही अंधेरे में ही अच्छा खासा कवर हो पाता है। आप देख लेना सुबह जितना रास्ता आपका कवर हो जाएगा ना दिन में उतना अच्छा रास्ता कवर नहीं हो पाता। तो मैं क्या करता हूँ 3 बजे या 4 बजे निकल जाता हूँ घर से, जिससे कि मेरा 100 किलोमीटर 150 अच्छे आराम से कवर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर उसके बाद मैं 70-50-60 किलोमीटर चलने के बाद थोड़ा थोड़ा रेस्ट देता हूँ गाड़ी को भी और अपने आप को भी, ताकि मैं आगे की दूरी आसानी से तय कर सकूँ। क्योंकि मतलब हरासमेंट थकना नहीं चाहता, अगर थक जाओगे ना तो भाई मज़ा नहीं आएगा। और नेचर का मतलब व्यू लेते हुए अच्छा मतलब जहाँ जहाँ व्यू पॉइंट होता है वहाँ गाड़ी रोक के तो हम आराम से जा सकते हैं। तो मैंने जो किया था 2 दिन में मतलब मैंने रास्ता कवर किया था। पहले दिन में मैं श्रीनगर तक पहुंचा था जो कि 300 किलोमीटर के आसपास था। उसके बाद मैंने अगले दिन के बाद धारा देवी टेम्पल है जो कि आपदा मतलब आपदा से रिलेटिव माना जाता है, उसकी वीडियो आप एक बार जरूर देखना। क्या जाता है कि धारा देवी टेम्पल को छेड़ा गया था 2013 में, तभी जिसके कारण केदारनाथ में आपदा आई थी। तो ये इस वीडियो को मैंने लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी जाके चेक करना पूरी देखना। तो हमने धारा देवी जी के दर्शन किए और उसके बाद हम केदारनाथ 11-12 पहुँच गए बिना किसी दिक्कत परेशानी के। तो वहाँ पहुँचे, हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई, उसके बाद हम चले गए टैक्सी से। टैक्सी में मतलब टैक्सी में हमने किया वो 4 से 5 किलोमीटर आपको ऊपर लेके जाएगा गौरीकुंड तक, फिर गौरीकुंड से आपको पैदल जाना पड़ेगा जो कि 22 से 23 किलोमीटर की ट्रैकिंग है केदारनाथ जी की। और वहाँ जो भाई व्यू है भाई अल्टीमेट है, आपको जैसे वीडियो में देख ही रहोगे आप केदारनाथ जी के दर्शन कर सकते हो जो कि सबको भाई मौका नहीं मिलता, किसी को मौका मिलता है। और मेरे को भी नहीं था मतलब मेरे को भी कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैं जाऊँगा जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा। अचानक से प्लान बना था अचानक से, क्योंकि मेरा दोस्त था वो लद्दाख जा रहा था, मैं भी उसके जाने वाला था, बट मेरे पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं थे तो मैंने भाई लद्दाख की राइड कैंसिल करी और मैं केदारनाथ चले गया। वो भी मतलब प्लान नहीं था, अचानक से बुलावा आता, कहते हैं ना जब बुलावा आता है तो अचानक से ही आता है। तो वैसे ही मेरे साथ था, गाड़ी उठाई और मैं निकल पड़ा। तो भाई मैं बता देता हूँ गाड़ी में आपको प्रॉपर ओके होनी चाहिए, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके चलो, क्योंकि क्या होता है ना क्या पता आपको कहीं रोक लिया जाए, आपके पास गाड़ी के प्रॉपर पेपर ना हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए गाड़ी का पेपर है प्रॉपर लेके चले। तो भाई ना मेरे कई मतलब ऐसे मेरे दोस्त यार मेरे भाई है जो कि भाई कमेंट करके पूछते भाई कि बिना लाइसेंस के जाते, भाई देखो देखो अगर पकड़ा नहीं पकड़ा तो ठीक है सब, अब पकड़ लिया तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है। तो भाई अगर आप प्रॉपर पेपर लेके जाओ तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ भाई मेरे पास सब चीज़ है, आप आसानी से जाओगे। वैसे आप डर डर के जाओगे, क्योंकि मैं भी जा चुका हूँ मुझे पता है, तब मेरे पास सारे प्रॉपर चीज़ें हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं तो वीडियो में मतलब आपने देख ही लिया होगा कि आप 100 सी बाइक से कैसे केदारनाथ सीरीज को कंप्लीट कर सकते हो, आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए आप अपनी कंटिन्यू राइड कर सकते हो। तो इस चैनल में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल बने तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते भाई किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।